क्योंकि तुसी पास्ता कर दिते आ, मन्या तुसी कानून लागू कर दिता आ, पर जे पंजाब दा हजूम, पंजाब दे जिवें तुसी कह लो कि सिंगर हो गए, गायक हो गए, कलाकार हो गए, साडे बजुर्ग हो गए, नौजवानी हो गई, विद्यार्थी हो गए, कामरेड हो गए, साडे बाबे, साडी धार्मिक जत्थेबंदियां, धार्मिक प्रचारक हो गए, अज सारे तुहाडा धन्नवाद करना चाहुंदा कि मोदी साहब तुसी इस मुद्दे ते इकट्ठे करते, जिहड़े अज तक नहीं सी हो सके। सो इन्नी गल हुण याद रख लो, जिहड़े अज तक इकट्ठे नहीं हो सके वह इस मुद्दे ते हुण इकट्ठे हो चुके आ। ओ जालम रोज जमदे तां वी मुक जांदे, सिंघ मरदे रोज तां वी मुकदे नहीं, लगदे शहीदां दी याद च रोज मेले, लोकी पापी दी कबर ते थुकदे वी नहीं, ओ गोलियां वैरी जे गिण के मारदे नहीं तां लाशां सिंघ वी गिण के चुकदे नहीं, ओ लाशां पंजाबी वी गिण के चुकदे नहीं। साडियां जमीनां साडियां मावां दे बाबत ने, सानू असी एक इंच भी जमीन ते एक इंच भी एक दाना भी फसल का किसी भी कारपोरेट घराने नूं दवांगे नहीं। असी सारे जिन्हें भी इंडस्ट्री वाले भाईचारा, क्योंकि इस बिल का जिहड़ा विरोध आ जां इस बिल का नुकसान कला जिमीदार नूं नहीं, इस बिल ना जिमीदार तो मरना ही मरना, इस बिल ना आढ़तियां मरना, इस बिल ना दुकानदार मरना, जे दुकानदार मर गया मार्केट कमेटी वाले बंदे मर गए, आढ़तियां मर गए, किसान मर गए, तो उस देश में रहूगा की। पंजाब दे यूथ ने एक मैसेज दिता मोदी की तानाशाही सरकार नूं, पंजाब दा यूथ अजे भी जिउंदा, पंजाब दा यूथ अजे भी उदां ही अपनी जवानी नूं, अपनी किसानी नूं बचाउण लई तत्पर आ, जिवें 1947 विच 1931 विच जदों फांसी दे रस्सियां ते चढ़िया सी, अज भी पंजाब दा यूथ उदां ही तत्पर आ, अपनी पंजाब लई, अपनी धरती लई, अपनी मां लई। सो तुहानू चेतावनी आ कि जे यूथ हुण जाग चुक्या है तो यूथ तो कितना कितने अपना जिहड़ा पासा वट लो, पर जे यूथ रोह दे विच आ गया तो तुहाडे तो संभालिया नहीं जाणा। हजे शंभू तक पहुँचे हाँ, फिर शंभू बैरीयर दे जिहड़े शंभू बॉर्डर दे बैरीयर पट के जदों दिल्ली तक कूच करनगे फिर तुहाडे तो यह हजूम संभालिया नहीं जाणा। मैं फिर चेतावनी दिंदा मोदी सरकार नूं कि अपने बिल ये वापस लै लिते जाण। जिथे शहीद भगत सिंह का जन्म दिहाड़ा बड़े धूमधाम नाल मनाया गया, उत्थे ही लुधियाणा के जगराओं पुल उपर कुछ नौजवानों वालों नवे खेती कानून नूं लैके जम के नारेबाजी भी की गई। भगत सिंह के जन्म दिहाड़े ते श्रद्धा के फुल भेंट करन आए नौजवानों ने मोदी सरकार खिलाफ अपना रोस जाहिर किया। नाल ही उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार तानाशाही है जो किसानों ते अपनी मर्जी जबरदस्ती थोप रही है, पर किसान जथेबंदियां नाल हुण पूरे पंजाब दे नौजवान भी खड़े हन, जिथे किसान मजदूर गायक कलाकार पल्लेदार ते हर वर्ग दा इंसान इस काले कानून खिलाफ संघर्ष कर रहा है। उत्थे ही उन्होंने ये भी कहा कि खेती बिल ने कानूनी रूप ले लिया है पर हाले भी इसका विरोध जारी है, जेकर ये कानून रद्द ना किया गया तो संघर्ष नूं होर तेज किया जाएगा। सब तो पहला तो समुचे पंजाब वासियां नूं शहीद आजम भगत सिंह दे जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं। जदों भी कोई क्रांति की लहर उठी आ देश विच, चाहे वह हरी क्रांति होवे, चाहे गोरियां नूं पंजाब चों देश चों भजाउण की दौड़ होवे, पंजाबियों ने अपना जज्बा अगे होकर दिखाया ते सारियां लहरां जिन्नियां भी ने क्रांतिकारी वह पंजाब चों उठियां ने। ते अज शहीद आजम भगत सिंह दे जन्मदिन ते इत्थे असीं उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल अर्पित करन आए हाँ ते एक मैसेज देना चाहुंदे हां पंजाब दे यूथ नूं। वैसे तो पंजाब दा यूथ जिहड़े साडे ते एलीगेशन लगदे सी वी पंजाब दा यूथ नशेड़ी हो चुक्या, किसी काम का नहीं गा, अज पंजाब दे यूथ ने एक संकेत दिता, पंजाब दे यूथ ने एक मैसेज दिता मोदी की तानाशाही सरकार नूं, पंजाब दा यूथ अजे भी जिउंदा, पंजाब दा यूथ अजे भी उदां ही अपनी जवानी नूं, अपनी किसानी नूं बचाउण लई तत्पर आ, जिवें 1947 विच 1931 विच जदों फांसी दे रस्सियां ते चढ़िया सी, अज भी पंजाब दा यूथ उदां ही तत्पर आ, अपनी पंजाब लई, अपनी धरती लई, अपनी मां लई। देखो बड़ी नमोशी की गल आ, एक पासे तो असी भगत सिंह हुणा दी अज कुरबानियां नूं याद करते हुए उन्हां लई जिहड़ा जन्मदिन मना रहे हां, दूजे पासे सेंटर की तानाशाही सरकार जिहड़ी किसानां दा दर्द, गरीब मजलूमां दा दर्द नहीं समझ रही, उन्हां दे उत्ते खेती सुधार के नाते ऑर्डीनेंस थोप रही आ। शर्म आनी चाहिए मोदी साहब,
यह भुलेखा अपने मन के कढ़ दो, ये पंजाबी ने, ये यूपी बिहार नहीं। जिहड़े ऑर्डीनेंस तुसी लैके आए हो किद्दां सुधार करनगे? मैनूं शर्म आउंदी आ, सानूं इतिहास में पढ़ाया गया बच्चे होंदे जदों छोटे होंदे सी, मेरा भारत महान। कित्थों यार मेरा भारत महान? जिथे जिथे मरदे रोज़ जवान, जिथे मरदे रोज़ किसान, मैं किवें कह देवां मेरा भारत महान? मेरा भारत महान नहींगा। तुहाडे वर्गे लीडरां करके साडा भारत, साडा पंजाब अज खुदकुशियां करन लई मजबूर होया। पर हुण तुसी इह मन चों अपने वहम कढ दिओ कि जिहड़ा मर्जी काला कानून असीं पंजाबियां दे मत्थे ते थोप दांगे, पंजाबियां दे लकीर दे उत्ते, पंजाबियां दी जमीर दे उत्ते लिख दांगे, ते पंजाबी तुहाडा ऑर्डीनेंस उह उदां ही प्रवान कर लांगे। तुसीं जिन्ने मर्जी ऑर्डीनेंस, जिन्ने मर्जी प्रस्ताव, जिन्ने मर्जी एक्ट पास कर दिओ, एक गल तुहानूं असीं ठोक के, तुहानूं वंगार के कहना चाहुंदे आ, भुल जाओ तुसीं पंजाब दी हदूद दे अंदर, पंजाब दी हद दे अंदर किसी भी कारपोरेट घराने नूं असीं कूच नहीं करन देवांगे, किसी भी कारपोरेट घराने नूं असीं पैर नहीं अंदर रखन देवांगे पंजाब दी हद अंदर। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਮਰਨਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਕਟ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਹੀਰਾ ਘੱਤੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ। NRI ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੂਹ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਸੱਥ ਕਬੱਡੀ, ਤੀਆਂ ਚੌਂਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਨਾਨਕ ਪੀਲੂ ਫਜ਼ਲ ਦਮੋਦਰ ਵਾਰਸ ਹਾਕਮ ਬੁੱਲੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਵਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੰਘ ਮਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਮੇਲੇ, ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੈਰੀ ਜੇ ਗਿਣ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, 84 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਹੀ ਯੋਧਾ,
यही सूरमा उस ही सूरबीरता दे नाल उस समय दे विच तां सीगा, पर जे इस समय दे विच हुंदा तां तुसी टाडा वर्गे UAPA युवापा वर्गे एक्ट ला के उस एक्ट दे अधीन साडे भगत सिंह वर्गे नौजवानों नूं भी अंदर डक्या हुंदा। अज तुसी उहनां दी जिहड़े आ बुत्तां ते उहनां दी मूर्तियां ते हार पाउंदे हो, उहनां दा जिहड़ा एग्जाम्पल दिंदे हो, पर जिहड़ा भगत सिंह आ उहनां ने अंग्रेज़ सरकार दा जदों विरोध कीता सी असैम्बली दे विच बंब तक सिटता सीगा, बंब सिट के विरोध कीता सीगा। सो अंग्रेज़ दी सरकार ने उहनां नूं अत्तवादी कहा, पर तुसी उहनां नूं अपना जिहड़ा आइडल मन्नदे हो। उस तरह जे अज दे समय दे विच नौजवान थोड़ा विरोध कर रहे आ, नौजवान थोनू कह रहे आ कि ये बिल जिहड़ा पास नहीं होना चाहिए, तुसी धक्के नाल बिल पास कर रहे हो, फिर जदों किसी नौजवान ने रोस दे विच उठ के कोई इहो जिहे शब्द अपने मूँह चों कढ़ते जां इहो जिहा कोई भी कारनामा करता, फिर तुसी भगत सिंह नूं नहीं सोचोगे, फिर तुसी उहनूं युवापा ला के टाडा ला के जरूर अंदर करोगे। सो तुहानूं चेतावनी आ कि जे यूथ हुण जाग चुक्या है तो यूथ तो कितना कितने अपना जिहड़ा पासा वट लो, पर जे यूथ रोह दे विच आ गया तां तुहाडे तो संभालिया नहीं जाणा। हजे शंभू तक पहुँचे हाँ, फिर शंभू बैरीयर दे जिहड़े शंभू बॉर्डर दे बैरीयर पट के जदों दिल्ली तक कूच करनगे फिर थोड़े तो यह हजूम संभालिया नहीं जाना। मैं फिर चेतावनी देना मोदी सरकार नूं कि अपने बिल ये वापस लै लिते जाण, क्योंकि तुसी पास तां कर दित्ते आ, मन्निया तुसी कानून लागू कर दिता आ, पर जे पंजाब दा हजूम पंजाब दे जिवें तुसी कह लो कि सिंगर हो गए, गायक हो गए, कलाकार हो गए, साडे बजुर्ग हो गए, नौजवानी हो गई, विद्यार्थी हो गए, कामरेड हो गए, साडे बाबे साडी धार्मिक जथेबंदियां धार्मिक प्रचारक हो गए, अज सारे तुहाडा धन्नवाद करना चाहुंदा कि मोदी साहब तुसी इस मुद्दे ते इकट्ठे करते जिहड़े अज तक नहीं सी हो सके। सो इन्नी गल हुण याद रख लो, जिहड़े अज तक इकट्ठे नहीं हो सके वह इस मुद्दे ते हुण इकट्ठे हो चुके आ, ते जदों इह इकट्ठे हो जांदे आ फिर उहनां नूं तोड़ना भी मुश्किल आ ते पिछे करना भी मुश्किल आ। काबल दे जम्मियां नूं नित मुहिमा, ये तो सानू जिन्नी धक्केशाही जिन्नी बाबरशाही है ये तो सानू गुरु नानक साहब के टाइम तो विरासत ही मिली है। गोरियां के टाइम पर भी मैं दसना चाहुंदा पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल वर्गे UAPA जिदा का तुम कहने ना अच्छ UAPA उदा ही पब्लिक सेफ्टी बिल उदों आया से, उदों सरदार भगत सिंह होना ने उन्हों का जम के विरोध किया। जिहड़ा ट्रेड डिस्प्यूट बिल गोरियां दे टाइम दे उत्ते पंजाबियां दे उत्ते भारतीयां दे उत्ते थोपिया गया सी, उदां दे ही इह काले कानून हुण ऑर्डीनेंसां दे रूप विच साडे उत्ते थोपे जांदे ने। इत्थे सानू मैं पंजाब दे यूथ नूं हरियाणे दे यूथ नूं जिन्नी भी किसान भाईचारा मैं सारयां नूं इक बेनती करनी चाहुंदा, यह संघर्ष वीरों आपां नूं लंबा ते बहुत ही निम्रता नाल बहुत ही सुचज्जे ढंग नाल लड़ना पैना, क्योंकि सरकारां ने जिहड़ियां उह बहुत हावी हो चुकियां अपने उत्ते। आपां जे इस संघर्ष नूं दृढ़ता नाल सूझबूझ नाल ना लड़ांगे तो आप इस फ्रंट पर फेल होवांगे। इत्थे मैं सारे वीरां नूं बेनती करदा, पहला आप अकाली दल का झंडा चक लिया, कांग्रेस का झंडा चक लिया, आम आदमी का झंडा चक लिया, होर दूजिया तीजिया धिरां का झंडा चक लिया, पर हुण सिर्फ आपां नूं साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी उन्हां दे ओट आसरे नाल चलना पैंदा। हाँ जदों सानूं लोड़ पऊगी भी हाँ साडी सुनवाई लोकतांत्रिक ढंग नाल नहीं हो रही, फिर सानूं महाराज दे दित्ते हुए बचन सानूं कदे भी नहीं भुलणगे। चू कर अज हमा हील ते दर गुजस्त हलाल अस्त बुरदनवा शमशीर दस्त, जदों किसी भी अपील दलील नाल काम ना चले उदों लाजमी हो जाता उस संघर्ष नूं तेज़ करन लई जिद्दां दा निर्णायक रूप लैणा पवे उदां दा लवांगे। असी आस करदे हां पहलां वी वीर लखे सधाणे नाल वीर सुख जगराओं वीर दीप सिद्धू ते जिन्ने भी सिंगर ने उन्होंने साडा बहुत वधिया साथ दिता, ते शंभू दे उत्ते असी जिवें साडा धूआं 24 घंटिया में दिल्ली पहुँच जाता ना 24 मिनटों में सानू फोन आने लग गए दिल्ली की सेंटर सरकार तो वीरां नूं भी तुसीं इह धरना चको तो इत्थों कूच करो। हुण भी असी वंगारना चाहुंदे आ सेंटर सरकार नूं, असी चक्का जाम कर देंगे जे तुसीं सानू पंजाब च तुसीं दिल्ली नहीं ना सानू वड़न दिंदे, असी तुहानूं पंजाब की धरती उत्ते पैर नहीं रखण देंगे, जिन्ने बार्डर ने दिल्ली दे ते पंजाब दे सारे सील कर देंगे। 31 किसान जथेबंदियां ने 1 अक्तूबर तो रेलां दा अनमिथे समय लई चक्का जाम करन दा ऐलान कीता ना, पर जे तुसीं ना हटे अनमिथे समय लई शंभू बैरीयर सील कर देंगे, शंभू बैर जिहड़ा तुसीं बॉर्डर आ असी अनमिथे समय लई उह सील कर देंगे। हजे तां इक वार तुहानूं हजूम इकट्ठा करके दस्सिया सीगा, साडे सारे वीर जिन्ना साडे प्रिंस वीर ने नाम लिया उह सारे वीरां दी सानूं वी जिहड़ी ड्यूटी लगी सी, असी सारे ऑर्गनाइजर उत्थे पहुँच के इकट्ठे हो के जिहड़ा ये
एक मैसेज दिता सी सरकार नूं कि हट जाओ जे हुण वी ना हटे तां एक बेनती असीं एक होर कर देना चाहुंदे आ 117 MLA पंजाब सरकार दे पंजाब दे सॉरी 117 MLA पंजाब दे बाकी सारे MLA हरियाणे दे सारे MP पार्लियामेंट मैंबर ते राज्यसभा मैंबर पंजाब दे सारे राज्यसभा मैंबर ते पार्लियामेंट मैंबर सारयां नूं एक हाथ जोड़ के बेनती आ कि सारे अस्तीफा दे दो सारे इकट्ठे हो जाओ ते जदों सारे MLA MP राज्यसभा मैंबर इकट्ठे हो के नौजवानां ते किसानां नूं नाल लै के दिल्ली कूच करनगे तां इन्हां तों रोकिया नहीं जाऊगा इन्हां नूं मजबूरन ये बल वापस लेना पऊगा वा इन्नी कु बेनती प्रवान करो। मैं तुहानूं एक गल कहनी चाहुंदा जे तुसीं इन्ने ही हमदर्द हो पंजाब दे किसानां दे ते पंजाब दे जवानां दे 2.5 लाख करोड़ रुपये का करजा वा पंजाब दी जवानी दे सिर ते तुसीं ओह करजा क्यों नहीं माफ करदे तुसीं बिल साडे उत्ते थोप रहे हो। जे तुसीं वाकई साडे खुदगर्ज बनना चाहुंदे हो वाकई साडे भाईवाल बनना चाहुंदे हो पहलां 2.5-3 लाख करोड़ का करजा जिहड़ा पंजाब दे सिर ते उहनूं माफ करो फिर असीं सोचांगे भी तुसीं साडे लई बिल लिआंदा तुसीं साडे हमदर्द हो तुसीं साडे नाल प्यार दा प्रगटावा करदे पए हो तुसीं साडे नाल अपनेपन दा प्रगटावा करदे पए हो नहीं तां असीं बधाई देना चाहुंदे हां अकाली दल ने चलो वधिया काम कीता देर आए दुरुस्त आए इदां ही असीं पंजाब दे जिन्ने MLA जिन्ने सारे MP ने सारे MPां नूं भी बेनती करदे हां तुसीं इहनां दे मूंह ते इस्तीफे मारो जे पंजाबी जिउंदे रहणगे जे किसान मजदूर जिउंदा रहूगा तां तुहाडी पॉलिटिक्स अगे वध सकदी आ। धन्नवाद जी। प्राइम मुद्दे लुधियाना तो इंदरपाल तुन्ना दे नाल प्रभजीत सिंह दी रिपोर्ट।